अगर आप मध्य प्रदेश में रहते हैं और अगर अपने एजुकेशन डॉक्यूमेंट में नाम बदलवाना चाहते हैं तो यो डूअर स्टेप चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको आसान भाषा में बताने वाले हैं कि आप मध्य प्रदेश में एजुकेशन डॉक्यूमेंट में नाम कैसे बदलें। तो इसीलिए पूरी जानकारी के लिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। एजुकेशन डॉक्यूमेंट में नाम बदलने के लिए सबसे पहले आपको एक गैजेट बनवाना होगा। इसको बनवाने के लिए आपको इन दो दस्तावेजों को बनवाना होगा। पहला एफिडेविट बनवाना। एफिडेविट बनवाने के लिए आप किसी वकील से संपर्क कर सकते हैं। एफिडेविट में आपको यह सारी जानकारी लिखवानी होगी। आपका नाम, आपके माता पिता का नाम, नाम बदलने का कारण, नया और पुराना नाम। दूसरा, समाचार पत्र में प्रकाशन भेजना। समाचार पत्र में प्रकाशन भेजने के लिए आपको अपने शहर के लोकल और अंग्रेजी दोनों भाषा के समाचार पत्र को चूज करना है और उसमें नाम बदलने की पूरी जानकारी लिखकर प्रकाशन छोड़ देना है। जब दोनों दस्तावेज बन जाएं, फिर इन्हीं दोनों दस्तावेज को गैजेट ऑफिस, जो कि दिल्ली में स्थित है, वहां ले जाकर जमा कर गैजेट के लिए फॉर्म अप्लाई कर देना है। फिर 30 से 40 दिन के अंदर आपका गैजेट गवर्नमेंट की वेबसाइट पर अपडेट कर दिया जाएगा, जहां से आप अपना गैजेट डाउनलोड कर सकते हैं। फिर आपने जिस बोर्ड से पढ़ाई की है उस बोर्ड में जाना है और अपना पुराना एजुकेशन डॉक्यूमेंट और गैजेट की कॉपी जमा कर अपना नाम चेंज करवा लेना है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि आपके पास इतना टाइम नहीं है या फिर ये प्रक्रिया आपको थोड़ा मुश्किल लग रही है, तो इसके लिए आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें हम आपकी मदद करेंगे, जिसके लिए आप इस नंबर पर कॉल करके हमारी टीम से बात कर सकते हैं। हमारी टीम आपकी पूरी हेल्प करेगी। थैंक यू सो मच।